सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने इमेज का जो 3D शेडो है वो बना सकते हैं पिक्सार्ट में। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टाइप का जो 3D शेडो है वो हम बनाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर इस टाइप की वीडियोज लाता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको करना है अपने पिक्सार्ट को ओपन करने के बाद नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपना कोई भी फोटो ले लेना है जिसका आपको 3D शेडो क्रिएट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इस फोटो को हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, इसका जो हम यहाँ पर 3D शेडो क्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉ टूल है, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉ मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर जो लेयर्स मिल जाएंगे, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको वहीं से एक इम्पटी लेयर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका व्हाइट कलर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपने इमेज पर क्लिक करके इसको आपको ऊपर ले जाना है, और यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको इसको इस टाइप से ट्रांसफॉर्म कर लेना है। इस टाइप से आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तो चलिए हम इस टाइप से कर लेते हैं। इस टाइप से करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक, उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेनी है। तो एम्प्टी लेयर क्रिएट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके इस ब्लैक कलर को आपको बीच में लाना है। तो इस टाइप से आपको बीच में लाना है। उसके बाद आपको अपनी इमेज पर क्लिक कर लेना है जो आपने ऐड की थी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे NOR लिखा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इसको मल्टीपल करके आपको यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है इसको आपको 70 या 80 तक रख लेनी है। तो चलिए यहाँ पर 70 तक रख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको आपको मर्ज कर देना है। इस टाइप से मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो शेडो है थोड़ा सा क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक, और यहाँ पर आपको ब्लर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर ब्लर मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके आपको फिर से इस पर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आपको ब्लर को 30% रख लेना है, या आप 31 या 32 आप रख सकते हैं। तो चलिए हम 30 रख लेते हैं। इस टाइप से आपको या 32 आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस टाइप से आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जाना पड़ेगा ड्रॉ टूल पर, और यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको फोटो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करके फोटो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो आपने इमेज अभी यहाँ पर लाई थी उसको आपको फिर से ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस, इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पर इस टाइप से आपको इसको लगा देना है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, अच्छी तरह से आपको एडजस्ट करना ताकि ये जो इमेज है ये 3D लग जाए। तो आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेना है। इस टाइप से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और इसको आप हिला भी सकते हैं उसके बाद भी। तो चलिए हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो गाइस, टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और आपका इमेज कुछ इस टाइप से बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करके इसको क्रॉप कर लेना है। अपने हिसाब से आप क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस टाइप से इसको क्रॉप कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइप से यहाँ पर क्रॉप कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इमेज बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, और इसका जो 3D जो शेडो है वो भी बन चुका है। तो गाइस, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब मत से तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।